और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का बयान शामिल करें जो कहते हैं कि पार्लियामेंट को इख्तियार ना देता तो मियां साहब वजीर आजम नहीं सदर होते। पनामा और जेलों से डरने वाले तारीख में जिंदा नहीं रहना चाहते। दादू में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। शहीद को पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है, उनको पता था, उनको बड़ा कहा गया कि भुट्टो साहब आपको हम बाहर भेज देते हैं, आपको हम बाहर ले चलते हैं। उसने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तारीख लिखूंगा, मैं तारीख में जिंदा रहूंगा। अगर मैंने पावर नहीं दिया होता तो आज मियां साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, वो प्रेसिडेंट होता, और प्रेसिडेंट के खिलाफ कोई रेफरेंस नहीं आ सकता, कोई केस नहीं बन सकता। तो जिस तरह जमहूरियत बनती है, इवॉल्व होती है, वो अपने अंदर ही जो खराबियां हैं उनको निकालती चलती है। ये तो एक छोटी खराबी है, ये निकलेगी इंशाल्लाह, आप देखेंगे कि आने वाले इलेक्शन में ये निकलेगी और उसको बल्ले को भी कोई फायदा नहीं होगा, इसको भी सोच लेना।